हेलो गाइस, राम स्वागत है। मैं हूं अनस। आदरणीय दोस्तों, आपको हमारा अपना रक्षा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया वन अगेन फ्रॉम पाकिस्तान। अगेन क्या मतलब, याद नहीं था कितनी बार जीते हो? हर बार इंडिया जीता है। अगेन अगेन एंड अगेन। चलो जी, खैर पाकिस्तानी आवाम उस पर क्या बोलते हैं सुनते हैं। बातें हमारी क्रिकेट इस टाइम बदतरीन दौर से गुजर रही है। अच्छा। इसमें हम थर्ड क्लास टीमों से, हमने आयरलैंड से मैच हारे, हम यूएसए से मैच हारे, हम जिम्बाब्वे से मैच हारे, हम अफगानिस्तान से मैच हारे, हम इंडिया से मैच हार रहे हैं। आपने इस मैच को मैं कंपेयर करूंगा वो 160 वाले मैच से जब कोहली ने एंड पे आके फिनिश किया था। ठीक है, आपको याद है वो हरीश लोग को जो स्टेट पे उन्होंने छक्का मारा था, आज तक वो दुनिया क्रिकेट में कुछ छक्का मार सका है? 119-120 स्कोर मॉडर्न डे क्रिकेट में 10 ओवर का स्कोर है जो हमसे 20 ओवर में चेज नहीं हुआ। सबसे ज्यादा इख्तलाफ मुझे बाबर आजम के माइंडसेट के ऊपर है। वो बंदा कहता है कि आप एंड तक मैच लेके जाओ, जब आपके पास 6 ओवर दायरा है आप उसको क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे? आप बड़ी बड़ी, पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हुआ है, दायरे का स्कोर चेक करें कितना था, 74 किया ऑस्ट्रेलिया ने। यूएसए का मैच देखें, यूएसए के मैच में अंदर जो हमारा गैरी क्रिस्टन हेड कोच है वो लास्ट बॉल पे इशारे करता रहा कि मिड ऑफ पीछे लो, और उसी मिड ऑफ के ऊपर से हैरिस रूफ को चौका पड़ा और हम सुपर ओवर तक गए। आपके ख्याल से काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान की टीम जीता हुआ मैच क्यों हारी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं दिलशाद भाई। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था और बहुत ही जबरदस्त किस्म का मैच हुआ, पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही दर्दनाक किस्म का मैच था, इंडिया वालों के लिए बहुत बड़ी खुशी थी। इंडिया ने पहली इनिंग में 119 स्कोर किया और देखने में ये लग रहा था, मैं खुद मैच देख रहा था, देखने में लग रहा था पाकिस्तान मैच जीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान की टीम वाकई में अनप्रडिक्टेबल है। पाकिस्तान की टीम ने ये साबित किया लास्ट ओवर में कि भाई हम किसी भी टाइम जीते हुए मैच का पलड़ा बदल के हारे हुए मैच में तब्दील कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये कह रहे थे कि दिलशाद भाई की क्रिकेट को लेके बड़ी लॉजिकल ओपिनियन रहती है, बड़ी जबरदस्त किस्म की डिबेट करते हैं क्रिकेट के ऊपर, इनसे इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से ओपिनियन लिया जाए, टेक्निकल जो बातें इनसे पूछी जाए। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैच देखने के बाद और मैच हारने के बाद फिर भी ठीक है? अभी जो बात करना मैं चाह रहा हूँ वो, काश आपके सामने कैमरा ना लगा होता और ये लोग ना देख रहे हो, तो जो अब इस टाइम हम सोच रहे हैं और जो हम महसूस कर रहे हैं कि हमने जीता हुआ मैच जो है वो हारे हैं। ठीक है। और बड़े दुखी दिल के साथ बात करनी पड़ रही है, हालांकि बात करने का दिल भी नहीं चाह रहा। अच्छा। जिस तरीके से हम हारे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन थे और बड़ी देर से सपोर्ट कर रहे हैं, और हालांकि जो पाकिस्तानी टीम के हालात हैं उसको सपोर्ट करना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए थे सपोर्ट करने में। है तो हमारी टीम, है तो हमारी टीम, हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, तो हमने इस टीम को सपोर्ट करना है। देखिये, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम का जो माइंड सेट है, जिस माइंड सेट के साथ ये खेले हैं। आप देखें कि दुनिया की जितनी भी बड़ी टीमें हैं क्या वो प्रेशर अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है? हमारी टीम तो बिल्कुल नहीं रखती। आप जब टॉस से देख ले कि हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है उसने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट नसीम शाह ने, शाहीन अफरीदी ने, हारिस राउत, इवन जिसको टेपिया कहा जाता था लेकिन उसने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन जब हम बैटिंग की तरफ आए तो हम बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए। अब मुझे एक बात बताएं कि बाबर आजम का ओपन करने का क्या तुक बनता है? फखर जमान जब आपके पास एक प्रॉपर ओपनर बैट्समैन है तो आप उसको क्यों चौथे नंबर पर खिला रहे हैं? ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आए तो आपने दायरा यूटिलाइज ही नहीं किया। 119-120 स्कोर मॉडर्न डे क्रिकेट में 10 ओवर का स्कोर है जो हमसे 20 ओवर में चेज नहीं हुआ। दिलशाद भाई, इधर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, देखें आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है, दिल दोनों के टूटे हुए हैं। पाकिस्तानी जारी बात है, पाकिस्तान की टीम हारी है और नजर ये आ रहा है कि वर्ल्ड कप से ही शायद बाहर होती नजर आ रही है, लेकिन जब मैच खत्म हो जाता है उसके बाद हम अपने ही मशवरे देने शुरू हो जाते हैं कि जी उसको खिला लेते, इसको ना खिलाते, इसको ओपनिंग पे भेजते, उसको ना भेजते। मकसद मैं सादा अल्फाज में ये कहता हूँ, मैं इतना ज्यादा नॉलेज नहीं क्रिकेट को लेकर रखता, मैं ये कहता हूँ कि यार पहले जिसको मेरी तरफ से पहले बॉलर को भेज दो बैटिंग के लिए, लेकिन मैच जीतना चाहिए। मकसद सिर्फ ये है, मैच जीतना चाहिए जो कि हम जीतते नजर नहीं। देखिए, सबसे पहले आप यूएसए का मैच देखें, यूएसए के मैच में अंदर जो हमारा गैरी क्रिस्टन हेड कोच है वो लास्ट बॉल पे इशारे करता रहा कि मिड ऑफ पीछे लो, और उसी मिड ऑफ के ऊपर से हैरिस रूफ को चौका पड़ा और हम सुपर ओवर तक गए। और दूसरी बात ये देखें कि सुपर ओवर में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर लगा हुआ है और हमने राइट को जो है राइट आर्म बैट्समैन जो है उसको हमने जो है स्ट्राइक दे दी है। उस पर फखर जमान को स्ट्राइक देनी चाहिए था ना, उसकी गेंद आनी थी और उसने लपेटा मारना था और छिका जाना था। देखिये, आप क्रिकेट ये तो एक आम बंदा भी समझ सकता ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और गैरी क्रिस्टन ने कहा कि मैंने पूरा प्लान दिया था यूएसए वाले मैच पर, उसमें इन्होंने ये किया। और अब इस मैच में देखें कि आपका तुक ही नहीं बनता था, जिस तुक पे आपने माद वसीम को जिस जगह पे आपने बैटिंग करवाई है, 25 गेंदे उस बंदे ने खेली और 13 स्कोर किया, और पिछले साल जीव पे बैठ के ये और आमिर दोनों टीम को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे, और जब इनको जिम्मेदारी संभालनी पड़ी है तो इनका ये हाल है। ठीक है। और ऊपर से सबसे ज्यादा इख्तलाफ मुझे बाबर आजम के माइंडसेट के ऊपर है। वो बंदा कहता है कि आप एंड तक मैच लेके जाओ, जब आपके पास 6 ओवर दायरा है आप उसको क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे?
आप बड़ी बड़ी पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हुआ है, दायरे का स्कोर चेक करें कितना था, 74 किया ऑस्ट्रेलिया ने, और पावर प्ले के अंदर दायरा सर्कल उसे कहते हैं, ठीक है, उन्होंने स्कोर किया। जब आप दायरा यूटिलाइज नहीं करेंगे, आपका माइंड डिफेंसिव है, माइंडसेट, आपने पिछला वर्ल्ड कप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेला, और हमारे कप्तान ने खुद ये स्टेटमेंट दी कि पहले 40 ओवर जो है वो हम ऐसे आराम से खेलते हैं, एंड वाले 10 ओवर चार्ज करेंगे। आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर ये चलता है, ठीक, आप मुझे खुद हिसाब बताएं। मैं कहता हूं बिल्कुल, ये कभी सुनते थे कि भाई क्रिकेट बड़ी डिफेंसिव टाइप खेलनी चाहिए, लेकिन तब शायद पिच का और सिस्टम था, तब शायद टेक्निक्स का और सिस्टम था, बॉलिंग स्टाइल बहुत और तरह के थे, अब बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सी चीजें बेहतर हो गई हैं, बदल गई हैं। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ, बहुत से लोग तो इस चीज के ऊपर बात ही नहीं कर रहे, मैच डेफिनेटली हर एक ने देखा, लेकिन किसी से कहेंगे ना भाईजान मैच देखा, इंडिया पाकिस्तान का हार गया, पाकिस्तान क्या कहना चाहेंगे? तो भाई देखा, हार है अभी। अच्छा, मैंने देखा नहीं है, सुना है, वैसा सुना है, कैसा लग रहा है? वैसा 120 स्कोर मैं कर लूं कसम से, ये ग्राउंड में ये पिस्ते है, 120 का रिकॉर्ड है दिलशाद भाई। एक हर, और ये पहले भी एक बंदा ये कह रहा था, कहता है 120 स्कोर तो मैं 119-120 कर लूं, नो डाउट, मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है ये कहने की बात है, लेकिन ये इंटरनेशनल प्लेयर हो और 120 स्कोर ना हो, मेरे लिए भी ये समझ से बाहर है। देखिए, अगर आप इंटरनेशनल सतह पे खेल रहे हैं और आपके अंदर प्रेशर अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप टीम के अंदर करके आ रहे हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, हम अपने टैक्स से पैसों से 60-60 लाख रुपए इनको महाना तनख्वाही दे रहे हैं, ठीक है, जो हमारा ए कैटेगरी का प्लेयर है वो 60 लाख रुपए ले रहा है, और मैच फीस अलग से ले रहा है, और जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस है वो भी हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं। सर फिर हीरो है, साथ हीरो बने हैं, बड़े ब्रांड्स मिलते हैं, बड़ा कुछ बड़े, और इनको फेम भी मिला है। और ये हम देखें, सबसे पहले देखें, अगर अब बाबर आजम फखर जमान और रिजवान से ओपनिंग करवाते, अगर आप दायरे में 50 ओवर लगा देते सर्कल के अंदर, पावर प्ले के अंदर, तो आपके लिए एंड में स्कोर करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। आप उस्मान खान को लेके, मोहम्मद उस्मान है या उस्मान खान उनका नाम है, उन्होंने देखे कि उस जिस तरह के वो स्टांस लेके खेल रहे थे, वो लग ही नहीं रहा था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, वो ऐसे लग रहा था कि कोई क्लब लेवल क्रिकेट चल रही है। जब आपकी क्रिकेट का, और इस पे जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं जैसे वकार यूनस है, शाहिद अफरीदी है, जैसे कामरान अकमल है, जिन्होंने पाकिस्तान को 15-15, 20-20 साल जिन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, आप उनका व्यूज उठा के देख लें कि हमारी क्रिकेट इस टाइम बदतरीन दौर से गुजर रही है। इसमें हम थर्ड क्लास टीमों से, हमने आयरलैंड से मैच आ रहे, हम यूएसए से मैच आ रहे, हम जिम्बाब्वे से मैच आ रहे, हम अफगानिस्तान से मैच आ रहे, हम इंडिया से मैच आ रहे हैं। आपने इस मैच को, मैं कंपेयर करूंगा वो 160 वाले मैच से जब कोहली ने एंड पे आके फिनिश किया था, ठीक है, आपको याद है वो हरीश रोग को जो स्टेट पे उन्होंने छक्का मारा था, आज तक वो दुनिया क्रिकेट में कोई छक्का मार सका है, ठीक है। और फिर आप कंपेयर करते हैं कि आपकी इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम के साथ कोई कंपैरिजन आप करना शुरू कर दें, ठीक है। आप कंपैरिजन, अच्छा, एक और चीज कही जाती है दिलशाद भाई, जो पिछले वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ, उसमें ये कहा गया नहीं भाई इंडिया की पिच है, इंडिया की मर्जी की ग्राउंड है, इंडिया की बड़ी प्रैक्टिस है, उसपे वो डेली खेलते हैं इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये यूएसए में भी क्या इंडिया डेली खेलने जाता है या पाकिस्तान को नहीं खेलने का मौका देते? अब तो न्यूट्रल वेन्यू था, अब तो आप ये बहाना भी नहीं मार सकते कि उन्होंने पिचेस अपने हिसाब से की थी, और आपने अपनी बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं की, आपने बैटिंग भी आके कोलैप्स किया। इससे बेहतर था आप जो आपके जो बॉलर है नसीम शाह ने एंड पे आके 2-4 चौके मार दिए, और आपका इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद रिजवान नो डाउट बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन वो भी आज बहुत ज्यादा स्लो खेल रहा था। मुझे ये नहीं समझ आती जब मैच चल रहा होता तो टीम मैनेजमेंट किधर होती है। अच्छा, टीम मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, और मेन चीज जो मैं बात करना चाहता हूँ कॉन्फिडेंस के हवाले से या एटीट्यूड, जो प्लेयर का एटीट्यूड होता है उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, खासतौर से इंडिया से जो लोग देख रहे हैं, मैं उनकी ओपिनियन लेना चाहता हूँ आपके ख्याल से, काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान की टीम जीता हुआ मैच क्यों हारी, एक तो ये बताइएगा, और दूसरे नंबर पर क्या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान टीम का कोई चांस है कि वो वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना सके, मतलब सेमीफाइनल तक या कुछ इस तरह का हो सके, क्या पॉसिबल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भाईजान मैच देखा है? हाँ, उसके बाद लगता है तबीयत डाउन हो गई आपकी, क्या वजह है? वजह ये है, हमारे जो खिलाड़ी हैं, जैसे बैट कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं कर, ठीक हो गया ना, हमारे खिलाड़ी ना हमारे पॉलिटिशियन ना हमारे मतलब कोई जो कुछ भी कुछ नहीं कर पा रहे, वजह क्या है? हम फिर हमें ये कहा जाता है लो जी आज क्रिकेट पे के ऊपर भी क्रिटिसाइज करने आ गए, यार तुम्हारा तो काम ही क्रिटिसाइज करना है चाहे कोई भी चीज हो। अब दिलशाद भाई ईमानदारी से बताइएगा, जब मैच स्टार्ट था मेरी आपसे कॉल पे बात हुई, क्या कह रहे थे कि यार आज तो बड़ा पॉजिटिव किस्म की बड़ी अच्छी हेल्दी वीडियो बनेगी, हम खुद भी खुश होंगे सारा कुछ, ये बात हुई कि नहीं? यादें माजी अजाब हैं यार, अब छीन ले मुझसे मेरा हाफजा। उस टाइम पे बड़ा खुश थे हम, और पूरी कौम बड़ी खुश थी कि हम मैच जीत रहे हैं, और वन साइडेड मैच जीत रहे हैं। जब तक 2-3 आउट हुए थे, जब तक रिजवान क्रीज पे खड़ा था, फखर खेल रहा था, तब तक हम मैच जीते हुए थे,
और ये जीता हुआ मैच हम आ रहे हैं। देखिए अभी हमने अपना एटीट्यूड चेंज करना है। आप देखिए 120 स्कोर की, आप रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस देखें, हालांकि उनसे कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, एक कोच और दुबे से ड्रॉप हुआ है और एक कैच जो है वो मेरे ख्याल बुमराह से या सिराज से जो ड्रॉप हुआ है, कैचेस ड्रॉप हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो कॉन्फिडेंस था उन्होंने लूज नहीं किया। आप पाकिस्तान और इंडिया का जितने भी बड़े मैचेस होते हैं उसमें आप ये देखें, उसमें सारी गेम प्रेशर की होती है कि आप प्रेशर ऑब्जर्व किस तरह करते हैं और उसको आगे गेम को लेकर किस तरह चलते हैं। अब हमारा आगे तक जाना बहुत मुश्किल हो गया है, अब हम दोबारा से एनालॉजीज बनाना शुरू हो जाएंगे। हाँ। दो जीते दो हारे, रन रेट अच्छा हो जाए, बारिश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो फिर हम आगे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट का इंतहाई जवाल है और मैं कहता हूँ कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हमारी टीम मैनेजमेंट है और दूसरे नंबर पे कप्तान बाबर आजम का जो माइंड सेट है, जो वो माइंड सेट लेके आया। मैं हम बाबर आजम नो डाउट एक अच्छा बैट्समैन है लेकिन वो एक अच्छा लीडर नहीं है। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा बैट्समैन था लेकिन वो अच्छा लीडर नहीं था, तो उसने कप्तानी से पीछे हट गया। आप एज ए कैप्टन ना खेले, एज ए बैट्समैन खेल लें। रिजवान हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर हम उसको कप्तान बनाना चाहें। शाहीन अफरीदी कप्तान बनता था, मेरे ख्याल है वो कप्तान इससे अच्छा था। आप ये देखिए कि आजकल के दौर में आप डिफेंसिव क्रिकेट खेल कर जीत ही नहीं सकते, आपको अग्रेसिवपन लेके आना पड़ेगा, खास तौर पे आपको पावर प्ले यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसके बावजूद आपको जो प्रेशर सिचुएशन आती है उसके अंदर आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। आप मुझे देखिए कि इंडिया की टीम कहीं भी पैनिक की है, हालांकि पहले तीन चार ओवर में उनसे आउट नहीं हुआ। मैं यही दिलशाद भाई बात कर रहा हूँ, देखें मैं पहले भी बता चुका हूँ क्रिकेट एक्सपर्टीज नहीं हूँ मैं, मतलब इतना कोई एक्सपर्टीज नहीं है मुझे क्रिकेट को लेके, लेकिन ये चीज मैं जानता हूँ जब मैं मैच देख रहा हूँ उनके तकरीबन समझ लें हमारे 70 के राउंड बोर्ड हम स्कोर कर चुके थे, पाकिस्तान टीम स्कोर कर चुकी थी, लेकिन मैं उनके प्लेयर्स को देख रहा था बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग करवा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं और वो ऐसा शो हो रहा था कि शायद ये पता नहीं इन्हें कोई खौफ नहीं है हारने का। देखें जो ग्रेट इमरान खान कहता है कि जब आप क्रीज पर जाते हैं या मैदान में जाते हैं, अगर आप ये सोच के जाते हैं कि हमने हार से बचना है तो आप डेफिनेटली हारते हैं। जब आप ये सोच के जाते, आप सोचते नहीं है कि मैंने हारना नहीं, मैं जीतने जा रहा हूं ग्राउंड में, तो आपके रिजल्ट्स अलग होते हैं। और उन्होंने रिजल्ट्स करके भी दिखाए, उन्होंने इंडिया को इंडिया में हराया, वेस्टइंडीज को वेस्टइंडीज में हराया, हालांकि वेस्टइंडीज की टीम उस वक्त बहुत पीक लेवल पे थी, इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, आप उसके रिकॉर्ड उठा के देख लें और हम वर्ल्ड कप भी जीते। वो एक माइंड सेट था ना, एक प्लेयर इंजमामुल्लाह प्लेयर था, ठीक है, नेट पे बैटिंग कर रहा था, उसने कहा कि अगले साल तुम वर्ल्ड कप खेल रहे हो, ठीक हो गया। तो देखिए जो लीडर होता है ना, अगर आप गीदड़ है ना सारे, अगर आपका लीडर शेर है तो आप जीत जाएंगे, और अगर शेर, अगर आपका लीडर जो है वो गीदड़ है तो आप हार जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर हमारे कप्तान को देखा जाए और उनके कप्तान को देखा जाए, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, आप उनकी बुमराह को आप देखिए, बुमराह को जो उन्होंने बॉलिंग करवाई है वो किस आखिरी ओवर, उन्होंने 17वां ओवर किया है, ठीक है, 17वां ओवर किया, मेरे ख्याल थर्ड लास्ट ओवर किया है, थर्ड लास्ट ओवर बुमराह को वहां पे करवाना कितना बड़ा डिसीजन था, क्योंकि अगर बुमराह को वहां पे दो चार हिट लग जाती तो पिछले दो ओवर में मसला बन जाना था, ऐसे ही है, लेकिन उन्होंने उसको ओवर करवाया और वो मेरे ख्याल से वो समझ गए थे, जो मैं चीज नोट कर रहा था कि वो समझ गए थे कि इनका कॉन्फिडेंस शेक हो चुका है, ये इस टाइम कॉन्फिडेंस में नहीं है, कुछ भी कर लें, इन पे बस प्रेशर डालें, फास्ट बॉलिंग करवाएं, कुछ करें, इनसे हिट नहीं लगेगी और हिट लगाने की कोशिश करेंगे ये आउट हो जाएंगे, और हुआ भी ऐसा। और आखिरी 8-10 ओवर तो इनसे हिट लगी नहीं है, वो तो आके नसीम शाह ने नीचे से आके दो चौके मारे हैं, ठीक है, इससे बेहतर था नसीम शाह को ऊपर भेज देते, और लेकिन तब तक गेम खत्म हो चुकी थी। मैं ये सोचता हूँ कि जिस टाइम पे रिजवान आउट हुआ था उस टाइम पे इनको एक ऐसा हिटर भेज देना था, शाहीन अफरीदी भेज देते, चाहे नसीम शाह भेज देते, क्योंकि वो तो बॉलर थे, उन्होंने तो आउट होना था, वैसे दो चार हिटे लगा लेते। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे मीम्स चल रही थी, मतलब और कुछ लोग तो मैच देखने के दौरान कह रहे थे कि यार ये मैच इंडिया ने हार जाना था, लेकिन उनके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कॉल की है टीम को, उन्होंने जय शाह को कॉल की है कि भाई हमारा ये आज ओथ टेकिंग थी, मैं इसी दफा प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ तो मुझे कोई गिफ्ट चाहिए, मुझे कोई सरप्राइज चाहिए अपनी कौम के लिए, इंडिया के लिए कोई सरप्राइज मैं देना चाहता हूँ, तो फिर जो सा इंडिया टीम जो सी हमारी, क्योंकि उनका आज ओथ टेकिंग भी था ना और उसी दिन मैच जी वो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, प्राइम मिनिस्टर है जो तो गिफ्ट मिल गया, नरेंद्र मोदी है उनको गिफ्ट दे दिया, और हमारी कौम के पास पहले ही कोई खुशी की खबर नहीं है, ठीक है, इकोनॉमी की खबर उठा के देख ले, वहाँ पे भी मसले का शिकार है, आईटी डिपार्टमेंट देख ले, एजुकेशन डिपार्टमेंट देख ले, एक क्रिकेट थी जिसके साथ हमारे इमोशंस अटैच होते हैं, यहाँ से कोई अच्छी खबर आने की उम्मीद थी लेकिन उससे भी हम गए, मतलब हमारी कौम के पास डिप्रेशन और टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं है। एक क्रिकेट थी जिसके अंदर हम देख रहे थे कि शायद हमें कुछ बेहतरी मिल जाए, उसके अंदर भी हमें इन्होंने ये कर दिया, और अब ये ईद हमारे यहाँ इधर आके मनाएंगे, ठीक है, जो पहले उन्होंने नहीं, अभी अगर मगर के चांसेस हैं, देखें आप ऐसे ना, आप बदवा पाकिस्तान टीम के अभी भी चांसेस हैं, ठीक है ना,
बेशक अपनी परफॉर्मेंस को लेके नहीं है, लेकिन कोई दूसरी टीम हार जाए, हमारी मर्जी की टीम जीत जाए, तो हम आगे जा सकते हैं। देखिए, अगर 120 डिफेंड करने के लिए हमें इतना मसला हो रहा है, हाँ। मैं तो ये सोच रहा था अगर इंडिया 140-50 कर देता तो हमारा क्या बनना था। ठीक है, और अगर हम पहले बैटिंग करते तो हमने 120-113-114 बनाना था, तो इंडिया ने तो ये चेस कर लेना था स्कोर। अब भी उनकी आप ये देखें कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, उन्होंने अच्छी बैटिंग नहीं की, हार्दिक पांड्या ने नहीं की, अभी तो उनके सिर्फ ऋषभ पंत ने आकर जो है वो थोड़ी सी बैटिंग की, सूर्या कुमार यादव ने बैटिंग नहीं की। हमारे आप देखें शादाब खान टीम में क्या कर रहा, आज शादाब खान ने एक ओवर नहीं किया, 7 बॉले डॉट करके गया। ठीक है, उसके बाद इमाद वसीम ने नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उन्होंने बैटिंग में आके कोलैप्स कर दिया। इफ्तिखार अहमद पिछले 2 मैचेस से क्या कर रहा है, आप ये हिसाब लगाएं कि हमारी टीम में 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी टीम में तुक ही नहीं बनता कि उनको खिलाया जाए, लेकिन हम उनको बार बार खिलाई जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, बाबर आजम साहब की दोस्तियां यार भी तो बीच में आती है ना। नहीं, मेरी ये कहता हूँ बाबर आजम साहब के हाथ में कुछ भी नहीं, जो मुझे ऐसा लगता है बाबर आजम के हाथ में कुछ नहीं हो तो इस्तीफा देना, रिजाइन कर दे कैप्टनसी से। जब आप एक मनसब संभाल रहे हैं तो आपको सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा, आपके ऊपर तनकीद होगी, क्रिटिसिज्म होगा, आप उसको जवाब देना पड़ेगा। ये आप बहाना नहीं लगा सकते कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कैप्टनसी क्यों कर रहे हैं, आप पीछे हट जाएं। ये जितने लोग खड़े हैं, आप में से किसी ने मैच देखा आज का, सही बताइएगा, मैच देखा आपने, मैच देखा आपने? अच्छा, ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपने मैच देखा? नहीं। आपने? नहीं, मैच नहीं। आपने मैच देखा? कमाल चेक कर रहे हैं आप, मतलब आप लोग भी समझ, ऐसा हो सकता है आपने देखा मैच? जी मैंने देखा। देखा कैसा रहा? अच्छा, ऐसा हो सकता है ये जितने लोग खड़े हैं, हर एक शॉप के ऊपर मैच लगा हुआ था, हर एक रेडियो, हर एक टीवी चैनल के ऊपर मैच लगा हुआ था, जहां से लोग गुजर रहे थे कोई मोबाइल के ऊपर मैच देख रहा था, और इन सब में से किसी ने नहीं मैच देखा, उसकी रीजन पता क्या है? वो अब कैसे बेचारे बताएंगे हुआ क्या? देखिए, एक तो वो बेचारे बहुत दुखी हैं, दूसरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर, अगर वो किसी पे तनकीद करेंगे तो उठा के ले जाएगा। इस वजह से जो है वो रिसेंटली जो अहमद फरहाद वाला केस हुआ है उसको अभी पेश किया, उसने फिर एक नजम फट दी है, उसके बाद मेरे ख्याल है वो लंबा ही अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीडम, और दूसरा दुखी है बेचारे बहुत ज्यादा, मैं खुद बहुत दुखी हूँ, मैं तो इस मूड में नहीं था कि वीडियो रिकॉर्ड की जाए, लेकिन अब क्या करेंगे, अभी भी हम पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने, अभी भी हम सपोर्ट करते हैं जी, जबरदस्त, अभी तो भी हम सपोर्ट करते हैं कि चले कुछ ना कुछ तो करके दिखाएं, कम से कम जो पीछे प्रीवियस जो मैच रह गए आगे, कम से कम वो ही जीत लें। ठीक है, और कुछ सीखें और अपनी जो माइंड सेट है वो चेंज करने की कोशिश करें। इंडिया का कॉन्फिडेंस किधर है ये मैच जीतने के बाद, और पाकिस्तान, मतलब लेट्स सपोज अगर आगे कहीं फिर आमना सामना होता है, आपको लगता है कि भाई वो लेवल होगा कॉन्फिडेंस का? बिल्कुल वन साइडेड मैच होगा अगर अगली दफा कोई होता है, अभी तो चलो हम फिर खींच खूंच के किसी तरीके से आगे तक ले गए थे, अगली दफा अगर होता है तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप देखें कि इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो तो नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी बॉलिंग लाइनअप इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी बॉलिंग लाइनअप ने आज काम किया है। इंडिया के अंदर हमेशा से बैट्समैन अच्छे आते रहे हैं, पाकिस्तान में हमेशा से बॉलर अच्छे आते रहे हैं, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया से सिर्फ एक दफा जीता है, जो हम 2022 में जीते थे, इसके अलावा कभी हम वर्ल्ड कप नहीं जीते, हालांकि ग्रेट इमरान खान के दौर में भी हम नहीं जीते, जब हमारे पास वसीम अकरम, वकार, यूनस, इंजमामुल्लाह, आकिब जावेद, मोइन खान जैसे बड़े बड़े लेजेंड थे, शोएब अख्तर बड़े बड़े लेजेंड थे, तब भी हम नहीं जीते, तो हम पता नहीं क्यों वर्ल्ड कप में आके कोलैप्स कर जाते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम इंडिया से ज्यादा मैच जीते हुए हैं। अच्छा, ये मैं आपको वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप के अलावा मैं वही कहने लगा था कि वर्ल्ड कप में हम इंडिया से मैच जीते एक दफा, एक दफा जीते हैं, सिर्फ एक दफा जीते, बड़ी हैरत वाली और थोड़ी शर्म वाली बात नहीं? काफी शर्मनाक बात है, पता नहीं वर्ल्ड कप में आगे इनको क्या हो जाता है। हाँ। और दूसरा ये जो ट्रैवल करवा रहे हैं, अब देखिए अबरार अहमद को ट्रैवल करवा रहे हैं, साथ उसको खिला नहीं रहे, उसके साथ पहले भी ऐसा हुआ, आजम खान को आपने चले ठीक अच्छा किया टीम से निकाल दिया, लेकिन उसको सिलेक्ट क्यों किया था जब आपके पास मोहम्मद आरिफ की अच्छी ऑप्शन थी? ठीक है, तो आपने जो टीम सिलेक्ट किया, वहाब रियाज हमारा टीम का सिलेक्टर है, एक साइम अयूब नाम से एक लड़का है, वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है, उसको क्यों नहीं मौका दिया? मेरे ख्याल में अगर फखर जमान के साथ आप साइम अयूब को ओपन करवाएं, अगर ये 6 ओवर पावर प्ले के खेल गए तो ये मैच साइड पे लगा देंगे। फखर जमान हमारा मैच विनर है, मोहम्मद रिजवान मैच विनर है, इवन बाबर आजम बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं है। अच्छा, और लीडरशिप की क्वालिटीज जो होती है वो गॉड गिफ्टेड होती है, हर बंदे के पास नहीं होती। अच्छा, जो हमारी टीम थी, टीम पाकिस्तान ग्रीन शर्ट्स, उसमें एक्सपीरियंस को लेके, मैनेजमेंट को लेके, एटीट्यूड को लेके, प्लेयर का जो एक एटीट्यूड होता है ग्राउंड के ऊपर उसको लेके, इंडिया के प्लेयर्स के साथ क्या डिफरेंस आप देख रहे थे? मैं देखे तो बड़ी चीजें क्लियर हो रही थी, मतलब मेरे जैसे एक आम इंसान जो थोड़ा बहुत पब्लिक डीलिंग करता है उसे ये समझ आ रही थी कि यार बड़े मैच्योर लोग नजर आ रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट इंडिया वाली टीम जो है वो नजर आ रही है, एंजॉय, वो गेम को एंजॉय कर रहे थे, और हम जो है वो
एक दफा जब जहाँ पे आके हमारा जो ऑलराउंडर है वो थोड़ा सा हिले गड़बड़ाए थोड़ा सा, वहीं पे हमारी सारी टीम जो है वो परेशान हो गई। आखिरी 6 ओवर तो हम शायद जो हमारे प्लेयर थे वो दुआएं कर रहे थे किसी तरीके ये मैच खत्म हो जाए या मेरे ऊपर से ये बात खत्म हो के किसी और के ऊपर चल जाए। और इसी वजह से तो हमारे यहाँ इंडिविजुअल क्रिकेट खेलते हैं। अब इंडिविजुअल आप देखिए बाबर आजम माइलस्टोन अचीव कर गया कि वो सबसे ज्यादा उसके T20 के रन है, शायद अभी उसने किया है। तो आप मुझे बताएं इस सबसे ज्यादा T20 के रन का मैंने क्या करना है? ठीक है, 2023 का वर्ल्ड कप में खेले हम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं गए, ठीक है। दो अभी आप देख ले अभी भी हम बाहर हो गए। 2022 में हमने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन हम फिर फाइनल हार के पीछे चले गए। उसके बाद आप 2019 का वर्ल्ड कप देख ले, 2019 के वर्ल्ड कप में हम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं गए। भाई हमने पर्सनल माइलस्टोन अचीव करके करना क्या है? आपने इम्पैक्टफुल स्कोर बनाना है। अगर कोई प्लेयर 30 स्कोर करता है, अगर वो इम्पैक्टफुल है तो मैं उसकी कदर करता हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर वो इम्पैक्टफुल 100 भी कर लेता है, अगर इम्पैक्टफुल नहीं है तो फायदा नहीं है उस टीम का। और आप कॉन्फिडेंस देखें, जब विराट कोहली रोहित शर्मा आउट, ऊपर से 3 उनके आउट हो गए, आप विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों इकट्ठे बैठे थे ड्रेसिंग रूम में, आप उनका एटीट्यूड चेक कर लें और हमारे प्लेयरों का एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस का जमीन आसमान का फर्क था। ठीक है, ये तो क्रिकेट के हवाले से बात हुई, मेरा दिल बड़ा दुखता है। मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट तो फिर कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत हौसला, हमारी जो टीम है टीम पाकिस्तान थोड़ा बहुत हौसला कोई ना कोई मैच जीत के दे देती है। बाकी कौन सी एजुकेशन की फील्ड की बात कर ले, हमारे जो बड़े हैं जिन्हें एजुकेशन में जिन्हें हम हीरो मानते हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल कतीर की बात कर ले, अब्दुल सलाम जो के मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें हीरो माना जाता है, पाकिस्तान में उन्हें हीरो क्या है, उन्हें तो पाकिस्तानी नहीं माना जाता। आपको नहीं लगता कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें हम कहें कि यार इसमें तो हम आगे जा रहे हैं ना? पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जितनी ज्यादा उनकी अचीवमेंट्स हैं और इन्होंने इस कौम के लिए जितना काम किया है, उनसे पूछा गया, हामिद मीर ने पूछा कि आपको जिंदगी में क्या रिग्रेट है, उन्होंने कहा मुझे जिंदगी में यह रिग्रेट है कि मैंने इस कौम के लिए इतना ज्यादा काम किया। ठीक है, ये कौम डिजर्व नहीं करती थी कि मैं इसके लिए इतना ज्यादा काम करता, क्योंकि हमने उनके साथ जो सलूक किया है वो पूरी दुनिया जानती है कि उनको हमने कितनी देर तक जो है वो घर के अंदर कैद रखा है। मैच देखा है भाईजान? हां देखा है। कैसा था? बहुत बुरा था। क्या वजह है, मतलब क्या हार जीत होती रहती है कि नहीं? वो तो है, पर ये इस तरह ही करते हैं यार, हर दफा दिल तोड़ देते हैं। इस बात में कोई शक नहीं, अब तो हम ये भी नहीं इतने खुल के कह सकते कि जीतो या, मतलब मैं तो कहता हूँ जीतो या हारो प्यार है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये समझ आती है कि यार बार बार हारने से प्यार कम हो जाता भाई है। ये लफ्ज कहने के लिए हमें 1-2 दिन लगेंगे, जिस सदमे में इन्होंने हमें पहुँचा दिया है, ठीक है, 1-2 दिन अभी हमें सेटल होने में लगेंगे। और जीता है हारे है? अच्छा ये बताओ, हार गया ना पाकिस्तान? हार गया क्यों? हार गया क्यों? हारा है मतलब बना तुम क्यों आ रहा है कि आप बता दें, हम यही तो आपसे पूछने आए हैं। ये जान के आ रहा है भाई ये। अच्छा जान के क्या वजह है? इंडिया को खुश करने के लिए? हाँ इंडिया को खुश करे, एक बस ये लालच होता है। अच्छा लालच ऐसा होता है जिमे तू आ जा, ऐसा है प्यार मोहब्बत है। ठीक हो गया, चले खैर ये चीजें हैं, यहाँ पे मैं वीडियो को इस तरीके से वाइंड अप करूंगा। बल्कि दिलशाद भाई बाकी का वर्ल्ड कप देखने का इरादा ही नहीं है? ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? एज ए क्रिकेट फैन तो हम वर्ल्ड कप देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। ठीक है, और जिस तरीके से इन्होंने सारी डिटेल बताई है, मैं कहता हूँ क्रिकेट की हिस्ट्री बताई है, जो जो लीडर क्रिकेटर पाकिस्तान में बेहतर परफॉर्म कर चुके पास में, उनका भी नाम बताया, वो सब कुछ बताया, मैं समझ लूंगा वाकई में इन्हें शौक है, क्रिकेट लवर है। क्या कहेंगे दूसरे लोग पाकिस्तानी मैच अब देखेंगे आगे वर्ल्ड कप के? नहीं मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई देखेगा, जितना हमारा दिल टूट गया क्योंकि 2 मैच हम ऑलरेडी हार गए हैं ग्रुप स्टेज से, हम आगे जा नहीं सकते। लेकिन एज ए क्रिकेट फैन तो हम क्रिकेट से बहुत शौक रखते हैं क्रिकेट देखने का, लेकिन वो देखेंगे अब हम दूसरी टीमों। अच्छा, कौन सी टीम को सपोर्ट करेंगे? अब मैं एशिया की जो टीम है उनको सपोर्ट करेंगे, श्रीलंका को सपोर्ट करेंगे, बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, इंडिया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम अपने एशिया को सपोर्ट करेंगे ना, हम दूसरे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा टॉप 4 में कौन सी टीम जाएगी आपके? टॉप 4 में मैं ऑस्ट्रेलिया को देख रहा हूँ, ठीक है, इंडिया को देख रहा हूँ, उसके बाद इंग्लैंड को देख रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद शायद साउथ अफ्रीका भी आगे चली जाए, ठीक है। तो ये 4-5 टीमें ऐसी हैं जिनको आपके ख्याल से जो लोग क्रिकेट को रेगुलरली देख रहे हैं, खास तौर पे इस वर्ल्ड कप के ऊपर अपनी गहरी नजर रखते हैं, टॉप 4 में कौन सी टीमें जाएंगी और फाइनल में कौन सी 2 टीमें जाएंगी? आप अपनी एक प्रेडिक्शन या अपना एक जो भी आपका एक मतलब आइडिया है वो जरूर बताइएगा। इसमें एक सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो हमारा PCB है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसकी वजह से सबसे ज्यादा मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है। आप देखें कि उन्होंने एक बंदे को लगाया हुआ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, वो सबको पता है कि PCB चेयरमैन कौन है, ठीक है, उस बंदे को क्रिकेट का नॉलेज 0 है, डेफिनेटली, ठीक है। जब आप क्रिकेट बोर्ड के अंदर ऐसे लोग लगाएंगे जिनका क्रिकेट का कोई नॉलेज नहीं। तो ये दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। पाकिस्तानी आवाम तो तपी पई है, तपनी है, क्या करें। मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूं,
और मैं बड़ा कंट्रोल होकर बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है क्रिकेट है क्रिकेट, लेकिन हर बार पाकिस्तानी क्यों हारता है इंडिया से, इंडिया क्यों नहीं हारता? आप तो कहते हैं बड़ी अच्छी टीम है हमारी, यार अच्छी बुरी का नहीं मसला, आप इस चीज का फिर मसला नहीं असलम भाई, आप अच्छा बुरे पर आ जाएंगे, अच्छा बुरे का नहीं मसला, नहीं खेल जब खेल नहीं बुरा है तो फिर ऐसे ही होगा, नहीं फिर बिना आप फिर क्रिकेट खेलते नहीं, ये गेम का आपको पता नहीं होता ठीक है, फिर किस हिसाब से मुझे बता दो किस एंगल से वो ठीक है, यूएसए से आ रहे ठीक है हार गए, नहीं इंडिया से आ रहा तो मान लेते हैं, यूएसए से भी आ रहे हैं तो फिर अच्छी टीम है ना यार, अच्छी बुरी गदर है असलम भाई मसला नहीं, तो किस चीज का है मुझे ये भी बता दो, फिर बहुत ज्यादा आला किस्म की टीम है, अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की हाई क्लास की जो टीम है वो हमारी पाकिस्तानी टीम है जिसका कोई पता नहीं होता, 119 स्कोर जो है ना वो दूसरी टीम करती है, तो इनसे 120 स्कोर जो है ना, वो जैसे भाई कह रहा था कि 10 ओवर्स का मैच था, 10 ओवर्स के ये सारे रन से नहीं हो सके, मॉडर्न क्रिकेट के वाकई ऐसे इतने स्कोर हैं 10 ओवर एक बंदे के ये स्कोर थे, अगर कोई सही ढंग से खेले यार इनकी जो या दो बंदों के कम अज कम, इनकी स्ट्रेटजी गलत है वाकई, वो भाई सही बोले बात है, क्योंकि हम की स्ट्रेटजी ये होती है बाबर आजम की स्ट्रेटजी यही है, उसने पहले ही जेन में रखा होता कि भाई हमने मैच आखिरी बॉल तक लेकर जाना है, वो घंटों जो आखिरी बॉल तक का मैच लेकर क्यों जाते हैं, 120 का टारगेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 ओवर में वो ख़त्म करना चाहिए, 12-15 ओवर में फिनिश होना चाहिए था, ताकि आपका रन रेट अच्छा होता, आप यूटिलाइज करते डायरेक्ट ओवर को, आप टिक 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 लगे हुए हैं जिस तरह टेस्ट, वो जब मैच हम देख रहे थे मुझे लड़के पूछे यार ये क्या टेस्ट चल रहा है, तो एंड पे जो 17-18 ओवर पे भी वो ऐसे खेल रहे थे जैसे टेस्ट प्लेयर्स हैं और टेस्ट का मैच है, मैच में बताऊं सिंगल तक नहीं ले रहे थे, मुझे हैरानी होती है उस पे अमाद वसीम पे, ये बुड्ढा कूसट पता नहीं कहां से उठा के ले आते हैं दोबारा वही वही असलम भाई, अमाद वसीम अंदर से वही मान था, आप उसको गौर से नहीं देख रहे थे उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो चाहता था पक्ष में हारे, मैं अपना यहाँ जो है वो कैप्टन रह चुका होगा, हाँ कैप्टनशिप के चक्कर में फिर वो बैट ऐसे मार रहा था जैसे ये कोई गली मोहल्ले का बच्चा खेल रहा है, मतलब उसकी बॉडी, अब हम बच्चे थोड़ी हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं साफ वाजे हो रहा था कि ये बंदा अंदर से बेईमान है, ये चाहता नहीं कि बाबर आजम की टीम जीते, उसको बाबर आजम से अंदर से को नफरत है, यार इनकी आपस में ग्रुप्स बंदी होती है, नफरत करते हैं एक दूसरे से, इन्होंने गट्टा खेलना होता है, सुहा खेलना है इन्होंने, कोई किसी की टांगे खींच रहा है, कोई किसी की खींच रहा है, आपने देखा नहीं कि जब बाबर आजम पर बार बार कैमरा जा रहा था उसको थोड़ी सी भी टेंशन थी, बस ऐसे हल्का फुल्का सा कर रहा था, तो मुझे बड़ा दुख है इसको, इसको कंपेयर करते हैं विराट कोहली से, ये उसके जूते के बराबर भी नहीं, इस्लाम भाई ओवर हो रहे हैं, ओवर नहीं भाई है, जो बात सच है नाना, तो यार किंग किस चीज़ नहीं, कोहली ने क्या कर लिया, नहीं तो इसने क्या किया, नहीं कोहली ने क्या घंटा फाड़ा, वो तो भाई पहले मैचेस में बहुत खेलता रहा, इसने एल खेला वो भी मेरा खेला है, कोहली क्या किया कोहली ने इस मैच में, तो इसने क्या किया, तो तुम्हें पता तीनों फॉर्मेट में नंबर वन रहा है, किस चीज पे वजह, ये आवाम भी बेवकूफ है जो सारी कह रही है बाबर के बारे में, यार ये भी बेवकूफ है, आप अकेले ही समझ रहे हो, गलत बोल रहे हैं आप, चले आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आवाम भी गलत है, मैं भी गलत, तीन साल कोहली आउट ऑफ फॉर्म रहा, तीन साल आउट ऑफ फॉर्म, तो ये तो शुरू से इसने जब इस मैच में उसका क्या उखाड़ा, टीम में इंटर हुआ उस वक्त इसकी कोई परफॉर्मेंस बेहतर थी, यार झूठ क्या बोलना है, आवाम झूठ बोल रही है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहे हैं, वो भी गलत बोल रहे हैं, ले आप अकेले बात बंदे समझदार हो जो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, जो आप ये कह रहे हैं कुंगी कोहली किंग है तो बाबर उसके जूते के बराबर, ये गलत बात है, तो गलत ही है, ठीक है, सही है बात, क्या इसमें, अगर आप 100 में से कोहली को 90 नंबर देते हैं तो 80 नंबर बाबर के भी बनते हैं, मैं इसको 50 भी नहीं दूंगा, ये इसके काबिल ही नहीं है, फिर 50 नंबर के क्रिकेट को नहीं, आवाम भी बेवकूफ है, मैं भी जज्बाती है, कोहली ने क्या कर लिया, कोहली का यही मैच बुरा गया है, कौन सा खेला पिछला मैच, कौन सा पिछला मैच, कितने मैच खेले पिछले, अच्छे कोहली उसने
चले ये T20 उसका नहीं थी, लेकिन उससे पहले उसने कोई मैच वनडे कौन सा अच्छा खेला नहीं, उसके पहले कोई मैच बेहतर नहीं रहा है। वनडे का वर्ल्ड कप ही आप देख लो, जो पहले वर्ल्ड कप हुआ है उसमें उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, तीन साल हर मैच खेला है उसमें भाई, तीन साल भाई इस मैच में ये जीरो है, बिल्कुल ये हमारी पूरी टीम जीरो है, कैप्टन भी जीरो है। आवाम कब से चिल्ला रही है कि इसको बाहर निकालो बाहर निकालो, ये फिर भी पता नहीं यार है क्या, ये टोटल जितने भी है सिफारिशी लेकर आते हैं भाई बुड्ढे घूसड़ जिनके पाँव में चलने की हिम्मत नहीं है। असलम भाई तुम्हारी टीम का एक दिमाग बना हुआ है, बाबर खेलेगा तो हम खेलेंगे। नहीं हमारी टीम का नहीं, मैं कहता हूँ कि सारों की जिम्मेदारी असलम भाई एक मिनट बॉलिंग अगर एक सेकंड बॉलिंग उन्होंने कमाल की है ना, तो बैट्समैन का बैट्समैनों का ये काम था कि परफॉर्मेंस देते अच्छा खेलते, लेकिन कोई भी नहीं खेला। असल में भाई बात यह है कि वो भाई हाँ ठीक है मुझे पता है वो 160 रन का टारगेट था पाकिस्तान का, तो मोहम्मद हारिस को जो कोहली ने स्ट्रेट फॉरवर्ड सिक्स लगाया था नो डाउट वो दुनिया हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन छक्का मैं भी गिनता हूँ वहाँ से सिक्स, ये वही बॉलें थी जहाँ पर आज हमारे क्रिकेटर्स ने कैचेस पकड़ाया है, शदाब ने वही भी उसी बॉल का कैच पकड़ाया, अंकल चाचा इफ्तिखार ने भी उसी बॉल पर कैच पकड़ाया, उसके बाद वो जो है अपना फखर जमान उसने भी उसी बॉल पर कैच पकड़ा जिस बॉल पर विराट कोहली ने सिक्स लगाया था, मुझे याद है वो मोहम्मद हारिस को जो इसने इधर से सिक्स लगाया था स्ट्रेट पर, मैं कहता दुनिया हिस्ट्री की वो मोस्ट बेटर शॉट थी, मैं इस चीज़ को काउंट करता हूँ, अगर वो सिक्स कोहली ने लगाता तो मैच में उस वक्त भी इंडिया हार चुका था। तो बात मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया अच्छा सॉरी विराट जो अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन ये कह देना कि विराट बादशाह है और बाबर का भाई आपके कहने आप मेरे कहने से नहीं होगा, गलत है आप एक सेकंड जूते बराबर है, एक कौन सी क्रिकेट है कौन सी है फायदा आप आ रहे हैं जूता क्या होता है बराबर को विराट क्या खुदा है वो दुनिया उसको मानती है वो किंग है नहीं बाबर नहीं मानती क्या बाबर को कोई नहीं मानता तो बाबर को कौन मानता बाबर अच्छा कह रहा कहाँ थे वो घंटे सारे जहाँ बाबर तीनों फॉर्मेट को नहीं कहाँ था तुम्हारा विराट रोज कहाँ था जब वो तीनों फॉर्मेट में नंबर वन रहा कहाँ थे वो सारे वो यार इसलिए खुदा का वास्ता क्या जल ये तो नहीं बातें कर रहे हैं फॉर्मेट में नंबर वन रहा है दुनिया उसको मानती है विराट कोहली को वो किंग है मैं भी मानता हूँ मैं भी मानता हूँ लेकिन ये कह देना विराट बादशाह है तो ओ यार मैं नहीं ये कह रहा ये वीडियो में भी कह रहे हैं भाई कि जीरो है बाबर जीरो तुमने क्या था तुमने क्या था विराट के जूते के बराबर गलत बात है झूठ बोल रहे हो तुम गलत बिल्कुल ठीक मैं यार तुम्हें क्रिकेट की स्पिरिट सेंस ही कोई नहीं है आप लोगों को मैंने ये रात वाला मैच देखा है मैंने सारा कुछ देखा है पांच स्कोर बना के बंदा गया है कैप्टन है विराट तो चले यही चले क्या फिर इस पर क्यों दोगलापन यही मैच है ना उसके यही इस पर दोगलापन क्यों है शुरू से ही ऐसा खेल नहीं दोगलापन इधर क्यों दिखा रहे हो विराट नहीं चलो जी कोई नहीं तो विराट तीन साल आउट ऑफ फॉर्म रहा यार रहा है लेकिन जो वर्ल्ड कप में भी आप इसकी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं असलम भाई इधर दोगलापन दोगलापन नहीं है यार जो बात सच है वो सच जो है ही ना तीन में ना तेरह में आप उसको पता नहीं चले आपके नाम मानने से ये अवाम भी नहीं मानी अवाम मेरा घंटा जानती है एक मैच आपका जज्बाती होगा ओ कर दिया ये स्पोर्ट्समैनशिप तो नहीं है सारी अवाम जज्बाती है सारी पाकिस्तान अवाम जज्बाती आप बिल्कुल सेंसिबल हो ठीक हो आप और यार क्रिकेट देखा करो मैंने रात के देखा है ऐसे खेल रही है पाकिस्तानी टीम जैसे टेस्ट मैच हो टेस्ट मैच आखिरी दो तीन ओवर जो है ना वो अच्छे खेलने होते हैं जोर लगाना होता है ताकि चेज कर सके वो अच्छा भाई टेस्ट खेल रहे हैं जैसे अच्छा टेस्ट चैंपियन प्लेयर है ये चीज मानता हूं लेकिन ये बहुत बुरा खेल विराट के जूते के बराबर सबसे बड़ी बात ये गलत बोल रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी प्लेयर है ना सिफारिशी गधे जितने भी हैं इनको बाहर निकालना चाहिए ये सारे बूढ़े हो चुके हैं जिनकी जिनकी टांगों में अब इतनी हिम्मत असलम भाई तुम्हारी जानकारी के लिए तुम विराट की बात करते हो T20 में सबसे जल्दी सेंचुरी और 50 सबसे ज्यादा स्कोर जल्दी बनाने वाला विराट का रिकॉर्ड तोड़ने वाला बाबर आजम है मैच देखा कर मैं अब कुछ और बोलने लगा आम चले वजह से मान रही है कि मार रही बाबर है। जो है इमाम के मानने से होगा बाबर को किंग बोलते हैं नहीं कोई बोलता है मुझे ये बात सुनो आवाम के विराट को विराट कोहली कोई बोलते हैं ना ठीक है आप जल्द से क्रिकेट ने पता नहीं जल्द से आप क्रिकेट नहीं देखते विराट के जूते के बराबर नहीं बात ये जूता ये जल्द से ये बेगैरती है अभी भी कहता हूँ कि वो उसके आप विकेट नहीं दे दूर दूर तक नहीं पहुंचा नहीं नहीं जाओ फॉर्मेट चेक करो सबसे जल्दी फास्टेस्ट 2000 रन T20 में नहीं तो वो जो
फार्मेट में रहा है तो वो अब सारी उम्र वही उसकी कमाई खाता तो रहेगा। विराट सारी उम्र उसकी कमाई खाता रहेगा जो मैच खेलता है। क्या खेला इस मैच में? क्या खेला? एक तो क्या हो गया? नहीं तो क्या खेला यार? आप ये छोड़े, आप वर्ल्ड कप का हिसाब लगा, वर्ल्ड कप में उसने क्या खेला है, क्या उखाड़ा है बाबर ने, क्या क्या उखाड़ा वहां भाई? आप यूएसए का हिसाब लगा लो, उसमें क्या उखाड़ा? दुनिया उसे ऐसे थोड़ी बोलती किंग कोहली, दुनिया मान लिया किंग, क्या उखाड़ा? आप सारी वर्ल्ड कप जिता ले रहा है, आप नहीं वर्ल्ड कप जिता कर ले आए विराट। आप इमोशनल हो रहे हैं, वर्ल्ड कप जिता कर ले रहा है विराट। कौन? विराट यार एक मैच ही आ रहे हैं ना वर्ल्ड कप का, हारे तो है ना, एक ही आ रहे हैं, जिता लाया है तो सही खेल रहा है आपने मुल्क के लिए, वो तो हार जीत, हार जीत बस यही मैं कहता हूँ। नहीं आप गलत कहते हो, आप गलत कहते हैं, अगर विराट के जूते के बराबर है ये गलत कहते हो तो। मैं सारा कुछ सही कह रहा हूँ, तुम गलत कहते हो, ये सारे तुम झूठ बोल रहे हो। ये फखर जमान किस बेस पे है, चाचा किस बेस पे है, हमाद वसीम ये किस बेस पे है, ये सारे ओवर हो जाते हैं। ठीक है आप क्रिटिसाइज करें विराट के जूते के बराबर, ये सारे नल्ले झूठ बोलते हो, फखर किस बेस पे है मुझे ये बता दो, उसकी क्या उसकी कोई सौ। मैं आपको आपके इस अल्फाज पर कंडेम करता हूँ जो आपने कहा कि विराट के जूते जीरो है भाई, विराट के कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं बाबर, विराट के कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं बाबर, जाओ चेक करो तुम्हें पता चल जाएगा। सारी दुनिया बोलती उसको किंग है, तो दुनिया अच्छा कौन सी ट्रॉफी लेकर आया, कौन सी ट्रॉफी लेकर आया? घंटे पर ये बता क्यों रहती हूँ फॉर्मेट वो नंबर वन, आवाम को आप घंटे पे चढ़ा चढ़े। अच्छा आप सारे जो आप आपकी बात तो यार स्टैटिक्स देखने हैं, स्टैटिक्स देखने हैं, क्या देखने, मैच भी देखने होते हैं, मैच ये मैच उसका कैसा गया ये भी देखो, विराट का कैसा गया, विराट का नहीं ठीक गया लेकिन उससे पहले उसकी उससे पहले क्या कौन सा ट्रॉफी लेकर आया है वो, यही आपकी गलती है कि आप जो है पाकिस्तानी अवाम विराट कोहली से आप कंपेयर कर रहे हैं उसको, बनता है विराट कोहली अच्छा थोड़ी बहुत मिलने से बंदा बिल्कुल ऐसा वैसा। असलम भाई तुम्हें मैं चैलेंज करता हूँ, आ जाओ। क्या चैलेंज करते हो? विराट के को 20 रिकॉर्ड बाबर ने तोड़े हैं, वो रिकॉर्ड हां जी बस मुड़ क्या होता नहीं, बस फिर क्या होता? वैसे और तरफ ले जा रहे हो, आप को भी झूठा करार दे रहे हो, मुझे भी। मैं बात करूंगा एनालिटिक्स पर, एनालिटिक्स पर है हिम्मत तो आ जाओ। आप कहते हैं कि किंग कोहली नहीं है, मैं कब कह रहा नहीं है वो अच्छा, नहीं तो आप कोहली से ये कह देना ये झूठ है, ये प्रोपेगंडा है, ये कह रहा है विराट अच्छा बैट्समैन तो बाबर के जूते के बराबर, ये प्रोपेगंडा अच्छा नहीं बहुत अच्छा है, ये झूठ है उसके जूते बराबर, ये गलत बात है, मैं कंडेम इसको करता हूं। बाबर की अपनी क्लास है, विराट की अपनी क्लास है, तुम क्रिकेट देखते नहीं हो भाई। मैंने रात के मैच देखा, उसके बाद तुमने रात के विराट का मैच नहीं देखा, तौबा कर लिया मैंने भी विराट से, रात का मैच नहीं देखा तुमने विराट का, क्या उखाड़ लिया विराट ने? आप वैसे ही उलझ रहे हैं, आप उलझ रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं यार, आप भी गलत बात कर रहे हैं, आप भी गलत बात, झूठ बोल रही बाहर, यही जीत जाते हैं, यही अगर जीत विराट कैसे जीत जाते हैं, 120 नहीं बना सकते, ये जीत जाते ना ये मैच पाकिस्तान जीत, ना बाबर की कमी नजर आ रही थी, ना किसी बैट्समैन और की कमी नजर आ रही थी, बस हार गया तो तू 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 बंदे जीत जाते हो हमारे, वेरी गुड वेरी गुड, ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। क्या होती है अच्छा इनको गले लगा ले, बार बार हारे इनको गले लगा पीटे प्लेयर जो है 20 रिकॉर्ड में बदमाश में जो विराट के बाबर ने तोड़े हैं, आज वो चैलेंज कर लो तो फिर इनको अच्छे लफ्जों में इनकी अवाम क्यों नहीं याद करती? और यार अवाम कितनी बेवकूफ है सारी, इंडिया इंडिया मैं बताता हूँ सबर कर ले, इंडिया के बड़े चैलेंज पर जाओ, जब विराट और रोहित आउट हुए थे उनकी जाएगा स्टेटमेंट जाके चेक करो, मैं अभी तुम्हें चेक करवाता हूँ क्या बोल रहे थे विराट के बारे में, वो भी बुरा भला कह रहे थे इनको खेलने नहीं आता ये, अब इंडिया के आवाम की वीडियो मेरे पास है वो भी विराट गुप्ता बुरा भला कितना कह रहे थे यार, क्या करते हो तुम? क्या करता ए वन साइडेड क्यों बात करते हो? माननी बात होती नहीं, आपने अपनी मनमानी होती है कि मैं मेरे पास वीडियोस है जहां इंडियन फैंस विराट की बैंड बजा रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं स्पेशली विराट की बैंड बजा रहे थे, विराट की बैंड बजा रहे थे, वीडियोस है मेरे पास, जाओ लाइव इंटरव्यू जो आप बोल रहे थे वो चेक करो। लेकिन विराट जो है ना आप जो हमारी पाकिस्तानी आवाम कंपेयर करती है ना बाबर, यार मैं ये नहीं कह रहा विराट बुरा, मैं ये कह रहा हूँ
बराबर ये गलत करो ये झूठ बोल रहे झूठ हो ये जाओ इंडिया अगर टीम जो है ना यकीन मान चला जी मिलता नहीं नए टॉपिक साथ तब तक दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़।